हाँ तो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स। तो आज हम तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। तुम्हारा ये पार्ट वन है। पार्ट वन बहुत सारे फर्स्ट यूनिट में जितने आने वाले हैं ये सारी चीजों के बारे में बताया गया। आगे हम बढ़ते हैं। तुम्हारा ये सारी चीजों में हमें ज्यादा नहीं, तुम्हें ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री में एक डायग्राम रहता है, डायग्राम्स के क्या होते हैं नाम, सेगमेंट, ये सारी चीजें ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है आपका पॉइंट। अ पॉइंट इज अ सोएन बाय तीन डॉट, आपके टेक्स्ट बुक में है। अ पॉइंट इज अ सोएन बाय तीन डॉट, पॉइंट को हमने क्या बताया है इसमें, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या बोलना चाह रहा है, तीन डॉट, स्मॉल पॉइंट, ये तीन डॉट है। तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक बता रहा है कि ये तीन डॉट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट। इस तीन डॉट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट। क्या बोलेंगे, पॉइंट। अभी तक आप थे फिफ्थ क्लास में, अब धीरे धीरे आपका क्लास बढ़ा है और आप धीरे धीरे आगे बढ़ के आए हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम धीरे धीरे बहुत सारी बेसिक चीजें आपको पता नहीं है, तो वही बेसिक चीजें हम क्लियर करेंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया, वी कैन यूज अ पेन और शार्प पेंसिल टू मेक द डॉट। अब हमें इतना तो पता है हमारे पास मार्कर है, मार्कर का आगे का जो हिस्सा क्या है, नोक है। ये एक छोटा टीन पॉइंट हमें बना सकता है जो कि यहाँ पर बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। पेन से आप बना सकते हैं, अपने पेंसिल से, अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, अपने नोटबुक के अंदर बना के कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द डॉट इज द डॉट इन द रंगोली आर द सिंबल फॉर अ पॉइंट। अब रंगोली, रंगोली में जैसा यहाँ हमारे घर के पास आस पास दिवाली के वैकेशन में घर के बाहर ज्यादातर आप देखोगे रंगोलियां। रंगोलियां कैसे बनाते हैं, बहुत बहुत गज जो बनाई रहती है, ऐसे तीन डॉट्स बनाई रहती है। यही तीन डॉट को हमारा क्या, वो हम क्या बोलना चाहते हैं, हमारा आपका टेक्स्ट बुक क्या बोलना चाहता है, इस तीन डॉट को बोलना चाहता है पॉइंट। अब समझ में आया आपको पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है, तीन डॉट्स का मींस होता है पॉइंट। अब आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले लेसन के आगे वाले पॉइंट्स बढ़ते हैं। लाइन, सेगमेंट एंड लाइंस। अब द टेक अ टू पॉइंट्स ए और बी। अब आगे देखो आपका टेक्स्ट बुक के हिसाब से आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बता रहा है, टू पॉइंट्स लेना है। अब ये हमारा फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये बीच में इसकी जो लाइन गई है फुली स्ट्रेट, दिस वन, इस पॉइंट को और इस पॉइंट के बीच में जो दूरी है उसके बीच में हमने इसको पॉइंट को हमने एक नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने ए और इसको नाम दे दिया बी। अब इसमें क्या बोला है, शीट पेपर ऑफ एंड जॉइन देम यूजिंग अ रूलर वी गेट द स्ट्रेट लाइन ए बी। हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, फिर बाद में दे दिया कैन बी एक्सटेंडेड दिस लाइन फर्दर ऑन द साइड ऑफ द पॉइंट बी, ऑन द साइड ऑफ अ पॉइंट ए हाउ फार कैन बी एक्सटेंडेड इट। अब क्या दे दिया, लाइन सेगमेंट में क्या दे दिया है, सेगमेंट तुम्हें बताना है। सेगमेंट क्या होता है ये, अब जैसे कोई पॉइंट है, पॉइंट का कोई नाम ही नहीं रहेगा, तुम्हारा, तुम एक इंसान हो और तुम्हारा अगर नाम ही नहीं रहेगा तो ऐसा हो नहीं सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें पता क्या है, और लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा नाम जो भी है, टीना मीना जो भी रहेगा आपका, एक पर्टिकुलर नाम रहेगा ना, वैसे इस पॉइंट को नाम देना हमें। पॉइंट का अगर हम नाम देंगे तो पता चलेगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, वैसे इसका नाम दे दिया है सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में है लाइंस है। लाइन क्या होता है, लाइन हमके हमें पता है, कोई भी लाइन ड्रॉ करो, ये हमारे लाइंस है। चैप्टर के आगे तुम्हारे बता रहा है कि लाइंस क्या होता है, लाइन हमको पता है। हम अपना स्केल लेकर, फॉर एग्जांपल कोई हम स्केल लेकर ये लेकर हम अगर लाइन खींचते हैं, ये हमारा क्या है, एक लाइन है, ये हमारा क्या है, एक लाइन है। लाइन हमें पता है, लाइन कैसे, आप तो बहुत गबरू जवान लोग हो, तुम सब तो कैसे भी करके कहीं से भी कहीं भी जगह पर लाइन बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम तो बहुत होशियार हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। रेस, अब रेस क्या होता है, रेस ये होता है अगर आपका टॉर्च, फॉर एग्जांपल ये आपका टॉर्च है, ठीक है, और यहां पर आपका स्विच है और आपका यहां हैंडल है, ये आपका हैंडल है, ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस, और ये आपका टॉर्च है। अब टॉर्च चालू करने के बाद आपकी जो लाइट्स हैं, ये हमारा लाइट्स का, ये हमारा समझो लाइट्स है। लाइट चालू किया आपने, लाइट चालू करने के बाद वो जितने कोने तक जहां तक भी जाएगा
वो हमारा रेज है। अब रेज इसी के बारे में आपको बता रहा है कि अगर आप कहीं भी अंधेरे वाली जगह पे टॉर्च चालू करेंगे तो टॉर्च के अंदर जो लाइट्स का जितना पावर रहेगा वो पावर उतने ही दूर तक जा पाएगा, ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। जैसे हमारा सनलाइट है, हमारा सनलाइट है, सनलाइट डायरेक्टली आता है क्योंकि फोकस किसका रहता है उस पर, ज्यादातर अर्थ के ऊपर ही फोकस रहता है ना, सारे ग्रहों पर रहता है, मगर वो सबसे ज्यादा हम जहां रहते हैं हम उस चीज के बारे में जानते हैं और हम रहते हैं अर्थ पे, अर्थ पे ही सनलाइट डायरेक्ट आता है। वैसे ही अगर हम टॉर्च जलाते हैं कहीं अंधेरे पे तो जहां तक उसकी विजिबिलिटी रहती है, जहां तक वो जाने की क्षमता रहती है, वो वहीं तक जा सकता है, उससे ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो वही हमें यह टॉर्च हमारा बता रहा है, रेज। अब देखो, अ रेज इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, यहां पर है अ रेज इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गोस फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली इन द सेम डायरेक्शन। The straight point of a ray is called origin. Here P is the origin and arrowhead is drawn to show that the ray is infinite in the direction of a Q. The figure can be read as ray PQ. अब देखो क्या दे दिया है। For example, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा example. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसी के बारे में और example समझते हैं। तो जैसा कि हमारे पास ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और ये लाइन को दे दिया हमने P, और P की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपका टेक्स्ट बुक है उसी के, हम देते हैं R और यहां पर दे देते हैं पॉइंट को S, R के बाद ही कंटिन्यू होता है S, R और S, और क्या दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, देखो एरो दिया है कंटिन्यूअसली। अब कंटिन्यूअसली मीन्स क्या है, आपका टॉर्च का विजिबिलिटी जहां तक आपका टॉर्च का लाइट जाएगा उसके हिसाब से दिया है। जैसे R और S, आपने इस जगह पे कोई चीजों को जलाया और उसकी विजिबिलिटी कहां तक थी, इस जगह थी, उसकी विजिबिलिटी कहां तक थी, इस जगह थी, मगर उसके बीच में जो आने वाला पॉइंट था उसके बीच में भी तो कुछ कहीं कहीं क्या होता है, कहीं आपने टॉर्च के आगे रखे हाथ रखे और उसकी विजिबिलिटी चालू की टॉर्च की, उसकी बीच में से विजिबिलिटी कट हुई, उसी चीज को आपको रेज बता रहा है। और ये है आपका आर और एस, इसमें क्या है रेज, आर और एस, तो हमें ऐसे नहीं लिखना है कि हमारा आर और एस, इसके लिए हम लिखेंगे रे आर एंड एस, ऐसा लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और उल्टा अपोजिट भी बन सकता है, आर एस है और आर एस है तो हम रेज को ऐसे भी ले सकते हैं, R S S N R, ये भी लिख सकते हैं, आपका ये भी बन रहा है रे S N R, ये भी आपका पॉइंट बना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लेन्स। अब प्लेन्स क्या है, लुक एट द पिक्चर, व्हाट काइंड ऑफ सरफेस डू यू सी, द सरफेस इन द फर्स्ट टू पिक्चर आर फ्लैट, ईच फ्लैट सरफेस इज अ पार्ट ऑफ इनफिनाइट सरफेस, इन मैथमेटिक्स ऑफ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। अब प्लेन होता क्या है, ये हो गया आपको रेस, तो बहुत अच्छे से समझ आ गया क्योंकि हमने दो एग्जांपल दे दिए, आपके चैप्टर में तो एक ही दिया, हमने दो दे दिए, चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्लेन्स, अब प्लेन्स क्या है, प्लेन्स है क्या, अब प्लेन मींस होता है जैसे आपके एग्जांपल में दिया है, आपके सामने एक डेस्क दे दिया गया है, डेस्क, और डेस्क के ऊपर का सरफेस क्या है, फुली प्लेन है, हमारा हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, मगर व्हाइट बोर्ड के ऊपर का सरफेस कैसा है, पूरा प्लेन है, इसी चीज को आपको बताया है। आपके सामने और दे दिया है, वह ब्लैक बोर्ड दिया है, छोटा छोटे बच्चों का बोर्ड दिया है, वो बोर्ड क्या है, वो टोटली प्लेन है, ये क्या है, पूरा प्लेन है। फिर आगे दे दिया है आपका सिलेंडर, सिलेंडर बना दिया ऐसा, फिर ये दिया है, मुझे पता है मेरी ड्राइंग गंदी है, मगर हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा उसमें देख के मेरा हंसी मजाक मत उड़ाना, ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका है सिलेंडर, ठीक है, ये आपका क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर है। अब सिलेंडर का ये ऊपर वाला पोर्शन देखो, ऊपर वाले पोर्शन के बाद इस जगह से इस जगह तक आपका पोर्शन कैसा है, प्लेन है, कैसा है, प्लेन है, नीचे रखने के लिए भी जगह बना देते, ठीक है, ये सब सारी चीज क्या है, प्लेन है। और आपके पास बोर्ड्स, कोई भी चीज हो,
उसी चीज को प्लेन बोला जाता है। अब आगे आपके देखो दिया है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है? लुक एट दिस पेज फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक दिया है इन दिस पेज अ पार्ट ऑफ अ प्लेन इफ वी एक्सटेंडेड द लाइंस दैट रन साइडवेज ऑन द पेज विल दे मीट ईच अदर समवेयर। अब देखो क्या दे दिया है, पैरेलल। टॉपिक क्या दे दिया है, ये आपका पैरेलल्स। ठीक है, आपके पास नोटबुक है, नोटबुक में ऐसे लाइंस ड्रॉ किए रहते हैं। ठीक है, ऐसे लाइंस ड्रॉ किए रहते हैं। अब ये क्या है, ये और ये लाइंस जा रहा है कंटिन्यू, ये दोनों एक दूसरे में क्या हो रहा है, ऐसे ज्वाइन नहीं हो रहा है। जो लाइन हमें इतना देखना है कि जो लाइन कंटिन्यू जा रहा है, जो एक दूसरे में टच नहीं हो रहा है, मीट नहीं हो रहा है, एक दूसरे को काट नहीं रहा है, जोड़ नहीं रहा है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल। क्या बोलेंगे, पैरेलल। ये क्या है दोनों हमारा, ये दोनों लाइन देखो एक दूसरे को जोड़ नहीं रहा है, वो नीचे तक कंटिन्यू जा रहा है, वो नीचे तक कंटिन्यू जा रहा है। ये वाला लाइंस भी देखो क्या जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, एक दूसरे लाइन को टच और क्रॉस नहीं कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल्स। चलो ये एग्जांपल तो आपको समझ आ ही गया होगा, और हम एग्जांपल इसके लिए देते हैं। ये हमारे पास एक मार्कर है और ये हमारे पास दूसरा मार्कर है, मगर हमने दोनों को एक साथ लिया। ठीक है, दोनों को एक साथ लिया और आपको सेम ऐसे में रख दिया, ये सामने है, और दोनों को एक साथ नीचे खींचा। क्या ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल्स। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके फिगर्स पे आ गए डायरेक्ट, इधर दे दिया है क्रॉस है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल लाइंस, एम्प्टी बॉक्स, ये सब सारे चीजों को करना है। अब देखो सबसे पहले दे दिया है इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा इंटरसेक्ट के बारे में हम पॉइंट पढ़ा देते हैं क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है और उसके बारे में डायरेक्ट ही दे दिया गया है, चलो हम पढ़ लेते हैं। इंटरसेक्ट क्या होता है, ये फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, फुल स्ट्रेट है, और दूसरी लाइन यहां पर है। ये दूसरी लाइन क्या हो रही है, इधर से चालू हो कि अपने इस तरफ में आ रही है, क्योंकि वो भी स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है, मगर क्या कर रही है, ये दोनों लाइन भले से इधर से सीधी आ रही है, मगर इधर से आने के बाद क्या हो रहा है, ये दूसरे दोनों में क्रॉस। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट लाइन। कोई भी लाइन ऐसी हो जो एक दूसरे को क्रॉस कट करती हो, उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट लाइन। जैसे यहां पर और एक एग्जांपल देखेंगे इंटरसेक्टर लाइन का, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हम लाइन ऐसे करते हैं, एक लाइन इधर से गई और एक लाइन इधर से गई, एक लाइन इधर से गई, एक लाइन इधर से गई, ये सारे लाइंस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सारे लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट। इसी लाइन को क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये भी पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आपके फिगर्स पे बढ़ते हैं। चलो इधर अब यहां पर दिया है आपके क्रॉस। अब हमने पहले बताया था क्रॉस क्या होता है, इंटरसेक्ट, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। तो हम इसका क्या नाम लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये आपका फिगर वन का आंसर हो गया। फिर सेकंड देखो एक दूसरे को क्या कर रहा है, सेकंड क्या दिया है आपका, फुल्ली स्ट्रेट गया है। डायग्राम में देखो अपने फुल्ली स्ट्रेट गया है। अब स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था, जो लाइन सीधी सीधी जाए और एक दूसरे को जुड़े ना, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल्स। क्या बोलेंगे, पैरेलल्स। लिख दो इधर, और जिसे देख के लिखना नहीं आता, आपके टेक्स्ट बुक में सबसे ऊपर दिया हुआ पैरेलल लाइंस, वही हेडिंग कॉपी कर दो। चलो हम आगे करते हैं। और तीसरा फिगर दिया है आपका,
एक लाइन फुल्ली स्ट्रेट गई है, नीचे वाली लाइन जो है वो फुल्ली स्ट्रेट गई है, मगर ऊपर वाला जो लाइन है वो ऊपर से स्टार्ट, यहाँ से पॉइंट तो उसकी स्टार्ट हुई है मगर वो क्या है आगे जाके मिल रहा है। आगे जाके क्या मिल रहा है आपका टेक्स्ट बुक में यहां तक दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में यहां तक दिया है, मगर ये लाइन अगर ये लाइन आगे जाएगी, अगर हम इसे आगे बढ़ा देते हैं तो ये लाइन एक दूसरे को क्या करती है इंटरसेक्ट। यहां पर हमारा पॉइंट बन गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, समझ आ गया। चलो हम आगे करते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस सेट वन पे, और भी दिया है यहां पर, देखो यहां पर जरा ऊपर पढ़ते, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द गेम बीइंग प्लेड, आइडेंटिफाई द कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर प्लेयर्स, पैरेलल लाइंस एंड द प्लेन। अब इसमें दिए हैं कॉलिनियर्स, नॉन कॉलिनियर्स, ये सारे लाइंस है, आप तो अभी चैप्टर में आगे पढ़ा रहे हैं वो समझ जाओगे आप। अब देखो यहां दे दिए प्रैक्टिस सेट वन, प्रैक्टिस सेट वन। अब प्रैक्टिस सेट वन पे आ गए, हमने पूरे एग्जाम्पल सारी चीजों को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है, तो हमें प्रैक्टिस सेट वन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो चलो हम आगे करते हैं। लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड द नेम द फॉलोइंग। अब देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, ये है क्या हमारा, हमने पढ़ा था पॉइंट, पॉइंट के आगे पढ़ेंगे, ये हमारा डायग्राम, ये है, फिर है एक लाइन इधर से गई है मगर मेन पॉइंट को, मिड पॉइंट को टच करते हैं, फिर दूसरी लाइन कहां से, इधर से गई है और ये फुल्ली स्ट्रेट, ठीक है। अब यहां पर इस पॉइंट को हमने दे दिया M, इस पॉइंट को दे दिया हमने R, इस पॉइंट को दे दिया हमने ओ, नाम दे दिया है, नाम रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है, फिर दूसरे वाले को दे दिया वन के, हमने आधा डायग्राम बना लिया है। अब डायग्राम की पार्ट्स और सारी चीज के नाम हम फटाफट कर देते हैं, एम आर एस टी एंड एन एंड दिस वन इज पी। अब ये सारे हो गए। अब आगे हम पढ़ेंगे पॉइंट्स क्या दिया है, पॉइंट्स में हमें मेन इंपॉर्टेंट देखना है। पहला क्या दे दिया है, कॉलिनियर्स पॉइंट्स। चलो सारे पॉइंट्स लिख देते हैं और फटाफट हम उसके आंसर लिखते हैं। पहला दे दिया है आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ में फर्स्ट में क्या दे दिया आपका कॉलिनियर्स पॉइंट्स, कॉलिनियर्स पॉइंट्स। फिर सेकेंड वन दिया है रेस लाइन सेगमेंट एंड रन, रेस लाइन सेगमेंट सेगमेंट एंड लाइंस। अब ये सारी चीजें दे दी है, अब हमें इसमें ज्यादा जूझने और मगजमारी करने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब हम फटाफट करेंगे, तुम्हारा फटाफट में क्या आएगा फर्स्ट, अब समझेंगे क्या दिया है आपका कॉलिनियर्स पॉइंट्स। कॉलिनियर्स पॉइंट्स क्या होते हैं, डॉट्स, डॉट्स के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपकी। देखो सबसे पहला बताता हूं, एम ओ एन टी पॉइंट, हर जगह कॉलिनियर्स पॉइंट्स जिस जगह पूछा रहेगा उस जगह पे आपको लिखना है पॉइंट, पॉइंट के बाद ही आपको लिखना है, अगर पॉइंट नहीं लिखते हो तो वो रॉन्ग माना जाए। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट का आंसर, ये सारे मीटा ये टॉपिक्स जो है मैं डायग्राम को थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ जिससे आंसर आपको दिखे और आपको फटाफट समझ भी आए। डायग्राम थोड़ा इस जगह पर है, ये आपका लाइन हो गया, ये आपकी लाइन एक हो गई, ये एक आपकी लाइन हो गई, ये आपकी लाइन हो गई और एक ये, ठीक है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर, ओ एक मिनट जरा हाँ आपका फटाफट ये लिख दो, ओ पी एन टी, O P N T S, ये आपका हो गया S और ये हो गया R और ये हो गया M,
अब क्या है पॉइंट्स। अब ये फर्स्ट कॉलिनियर्स पॉइंट्स में, अब देखो यहां पर कॉलिनियर्स पॉइंट्स क्या है, एम ओ एन टी। अब क्या है पूरी जो सारे पॉइंट्स जो आए हैं, लाइंस जो आई हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं इंटरसेक्ट, सारी लाइंस क्या एक दूसरे को जोड़ते आए हैं, कट कुट करते आए हैं, वही लाइंस हमें बतानी है। अब हमारा कॉलिनियर्स पॉइंट्स क्या है, देखो कॉलिनियर्स में पॉइंट से एम ओ टी, ये स्ट्रेट लाइन गई है और सारी लाइन क्या है एक दूसरे से ज्वाइन हुई है। तो कॉलिनियर्स पॉइंट्स में हमारा आएगा पॉइंट एम, फिर पॉइंट ओ, फिर पॉइंट टी, ये हमारे क्या है कॉलिनियर्स पॉइंट्स। अब सेकंड देखो क्या दिया है रेस। अब हमारा क्या हो गया सेकंड रेस। अब रेस का हम आंसर इधर लिखेंगे रेस। अब रेस में हमारे क्या दिए हैं पॉइंट, देखो रेस में पॉइंट आर, एक मिनट जरा, ठीक है पॉइंट आर, पॉइंट आर देखिए जरा, फिर पॉइंट ओ देखिए, फिर पॉइंट टी देखिए, पॉइंट एन देखिए, आर ओ एन। अब क्या है ये आर जो है और ओ जो है और एन है सब इंटरसेक्ट किधर से, मिड पॉइंट है ना ये, ओ सब एक दूसरे को क्या करते जा रहे हैं टच करते जा रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते जा रहे हैं। और रेस में हमने बताया था कि हमारी जो लाइन है रेस में, हमने ये पहले बताया था पी और क्यू का, हमने एग्जाम्पल दिया था आर और एस, हमारे चैप्टर में दिया था बुक के अंदर पी और क्यू का, तो हमने एग्जाम्पल दिया था आर और एस का, फिर एस और आर भी कर सकते हैं ये हमने बताया ही था। तो हमारे इसमें जो है लेना है पॉइंट पॉइंट आर पॉइंट ओ एंड पॉइंट टी, देखो आर ओ टी। अब आगे पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट, ये मैं मिटा देता हूं, अब वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं लिख सकते हैं। चलो मैं लाइन सेगमेंट पढ़ाता हूं आपको, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है, अब देखो यहां पर, अब जो भी लाइन सब लाइन किस पे आई है तो हमें दिख ही रहा है, सारी लाइन जो एक दूसरे को ज्वाइन करते हुए गई है, लाइन सेगमेंट हमने पढ़ा था जो एक दूसरे को लाइन को जोड़ते हुए गई है, सब लाइन लाइन किस पे से गई है ऊपर से, इसके लिए हम सब पे क्या ले लेंगे ओ से। अब ओ पे क्या है ये हमारा, ओ पे हमारा क्या है एक मिनट जरा रुकिए, आपके टेक्स्टबुक में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके देखेंगे जरा, लाइन सेगमेंट थर्ड, आपका जो थर्ड दिया हुआ है वो है हमारा सेकेंड एंड थर्ड सेगमेंट, सेगमेंट एम टी आपका दिया हुआ है सेगमेंट। अभी क्या है लाइन सेगमेंट के लिए हम क्या लगाएंगे हमेशा सेगमेंट, तो सेगमेंट का शॉर्ट लगा देंगे हम एस ई जी, इसके लिए हम क्या लगा देंगे एस ई जी, एस ई जी में देखेंगे एम टी आर एन, एम टी आर एन, और आपका एक लाइन कौन सा जा रहा है ओ ओ एन ओ टी ओ एन ओ टी ओ एस ओ आर ओ एम ओ पी, पूरा लिख दो एम टी, ये पूरा मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, आप सेगमेंट हर जगह लगा देना एम टी आर एन ओ पी ओ एन ओ टी ओ एस ओ आर एन ओ एम, ये सारे क्या हो गए हमारे लाइन सेगमेंट। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ, अब क्या है लाइन, लाइन पढ़ेंगे हम, लाइन क्या है हमारा, लाइन में है एम टी, स्ट्रेट लाइन कौन सी की एम टी और आर एन की, तो लिख दो यहां पर लाइन एम टी, और दूसरा लाइन कहां गया है आर और एन, लिख दो यहां पर लाइन
आर एंड एंड, ये आपके हो गए चारों पॉइंट्स। चारों पॉइंट्स में जो कि है, मैंने एक पॉइंट जो बताया था वो भी पॉइंट्स कॉलिनियर्स में आते हैं, जो कि मैंने सेकंड जो बताया था आपको। और जो है रेस, रेस के लिए हमेशा पॉसिबल है तुम्हारे लिए रेस हमेशा लगाना शुरू में आर ए वाई रे। देखो दिखाता हूं मैं आपको रेस के लिए, और सारे एग्जांपल और भी है जो कि है आर ए वाई एस, इसके लिए हमें हमेशा लगाना है रे। रे ओ एम, फिर रे लगाएंगे रे ओ पी, सारे देखो सब किससे गए, ओ एम ओ टी ओ आर ओ एस ओ पी ओ एन, सब लिख दो यहां पर रे ओ ओ पी ओ एम ओ पी ओ टी, फिर रे ओ आर, फिर रे ओ एन, ये सारे हैं आपके रेस। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर टू। आपको तो मजा आ ही रहा होगा, आप घर पे बैठ के वीडियो अच्छे से वॉच करके और एंटरटेन के साथ आप कर सकते हो। हमारी वीडियो आपके लिए हमेशा बनती रहेगी, हर एक चैप्टर के हर एक सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरकीब से आ जाए, ये हम ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रयास रहेगी आपको इतनी अच्छी से आ जाए कि आप लोगों में हलचल मचा दो कि हमें ये चीज आता है, हम करके दिखा सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन, एक लाइन दे दिया हुआ है, ठीक है, एक लाइन हमें दे दिया हुआ है, उस लाइन के डिफरेंट क्या बताया बताने हैं। चलो यहाँ पर एक लाइन दे दिया हुआ, ये हमारा एक हो गया लाइन, ठीक है। लाइन के बीच में हमारे पॉइंट्स दे दिए ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, ये हमारा क्या है लाइंस, एल का शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा लाइंस। अब लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे, तो लाइंस हमारा क्या है, लाइन एल, आंसर में लिखेंगे आंसर लाइन एल, एल है देखो लाइन में, लाइन ए एंड बी, लाइन ए और बी, हमारा दो लाइन बना ना ए बी, अब दूसरा हमारा लाइन बन रहा है ए सी, लाइन ए और सी, ये भी हमारा लाइन बन गया। फिर ले सकते हैं लाइन ए और डी, ये भी हमारा बन गया। फिर हमारा हो जाता है ऐसे, हमारा ये भी बन गया लाइन बी सी, लाइन बी डी, फिर बन सकता है सी बी सी डी, ऐसे बहुत सारे हमारे लाइन है, ये आप आसानी से कर सकते हो, आपको समझ आ ही रहा हो। चलो हम आगे करते हैं, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो कि है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आपको आता ही है, चलो तो भी हम करके देते हैं। मैच द फॉलोइंग में क्या दिया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी का कॉलम दे दिया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, एक तरफ डायग्राम दिए हुए हैं और एक तरफ नाम दिए हुए हैं, यहां पर चार दिए हुए हैं ए बी सी डी, ठीक है, और यहां भी ए बी सी डी दिया हुआ है। अब ए बी सी डी जो ये दिया हुआ है, चलो हम लिख देते हैं इसमें क्या क्या दिया है, आर ए वाई रे प्लेन लाइन, और ये है लाइन सेगमेंट, और यहां पर दे दिया है ड्रॉस, एक ही ऐसा दे दिया डायग्राम, सेकेंड वाला दे दिया है पॉइंट्स में, थर्ड वाला दे दिया है एक डायग्राम ही दे दिया हुआ है, फिर फोर्थ वाला दिया हुआ है लाइंस। अब ये तो हमने पहले बता था रेस क्या होता है, रेस क्या होता है जिसकी विजिबिलिटी जहां तक जा पाए। अब देखो ये है, ये हमने डायग्राम पहले पढ़ा था, ये हमारा डायग्राम क्या है रेस, हमें बहुत आसानी से पता चल गया, मैच द कर दो, रेस हमारा इससे मैच हो गया। अब आगे पढ़ेंगे, अब हमने क्या पढ़ा था लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है, एक सिंपल ये है हमारा, देखो इधर लाइन, लाइन इसमें है ना लाइन सेगमेंट, ये हमारा क्या हो गया लाइन सेगमेंट में ड्रॉ कर दो, सी लाइन, लाइन तो हमें पूरा का पूरा लाइन दिख रहा है, डॉट टू डॉट ये हमारा एक लाइन है, ड्रॉ मैच तो कर दो इसमें दोनों को मिला दो। और प्लेन, प्लेन हमारा क्या है बोर्ड, प्लेन हमारा क्या है बुक, प्लेन हमारा सब कुछ है, टीवी, बहुत सारी चीजें हैं,
यहाँ पर प्लेन क्या है हमारा, ये मिला दो, मजा आ गया, फटाफट आगे बढ़ते और चलो। तो आगे हम फोर्थ, ये है आपके टेक्स्ट बुक का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट वन का फोर्थ क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो चलो हम आगे करते हैं फटाफट। फोर्थ है हमारा ऑब्जर्व द फिगर बिलो नेम द पैरेलल लाइंस। अब इसमें बताना है पैरेलल लाइंस क्या है, फिर कॉन्करेंट लाइंस क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉन्करेंस इन द फिगर। अब ये सारे फिगर के बारे में सब कुछ बताना है, चलो हम बताते हैं फटाफट। पहले सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, एक सिंपल सी एक लाइन लगी हुई है, ये है आपकी एक लाइन, ठीक है। इसमें एक सीधा एक ऐसा क्रॉस लाइन आया है, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, फिर एक यही बीच में से कट करते हुए आया है, ये लाइन को ही कट कर रहा है, ठीक है, फिर एक ये लाइन को कट करते इधर आया है, ठीक है। अब ये सारे ऊपर वाले को दे दिया है ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और इधर दे दिया है कैपिटल में ए। फिर एक लाइन बीच में से गई है, लाइन को दे दिया है ऊपर वाले को एम, नीचे वाले को सी, और यहां पर कंप्लीट हो गया। फिर यहां पर दे दिया है थोड़ी लाइन गलत हो गई, चलो रिटर्न मिला बना देते हैं फटाक से। ये आपकी लाइन इधर से गई और दूसरी लाइन ये इधर से आई, फिर दोनों को ये दे देते हैं त्रिशूल का निशान, चलो, और दे देते हैं इसका नाम डी पी एन क्यू। ये तो हो गया आपका एक डायग्राम, एक डायग्राम हो गया, ये भी एक एरो है, ये भी एक एरो है, क्योंकि कोई भी डायग्राम अधूरा नहीं रहता है, उसको पूरा करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट लगते हैं हमारे एरो। एरो के लिए लेंगे सबसे पहले लेंगे पैरेलल लाइंस। अब इसमें पूछा है पैरेलल लाइंस क्या है, वही बताना है, तो चलो लिखते हैं पैरेलल लाइंस। अब इसमें पैरेलल लाइंस कहाँ है वो आपको ढूंढना है, तो चलो हम, अब उतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, उतना मत अपने टेक्स्ट बुक में देखते बैठो, इधर देखो इधर, चलो तो मैं तुम्हें आसानी से बता देता हूँ। पहला इधर है लाइंस, लाइंस के फर्स्ट पॉइंट लिख लो, जो कि है लाइन बी, लाइन एम, देखो इधर लाइन बी, लाइन एम और लाइन क्यू, ये सब क्या है, पैरेलल है। ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन, डायरेक्टली आया है एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए नहीं, क्योंकि उसकी एंड पॉइंट तक चले जाओ तो भी वो लाइन को मैच कर नहीं सकते। तो लिख दो यहां पर लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू, और इसके सेकेंड पॉइंट्स और हैं, देखो इधर ए भी वैसे गया है और सेम पी भी वैसे गया है, तो और भी लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट डाल के लिख दो लाइन ए एंड लाइन पी, ये हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, दूसरा उसमें पूछा हुआ है कॉन्क्रेंट लाइंस। अब कॉन्क्रेंट लाइंस क्या है, ये कॉपी कर लो फटाफट, चलो चलो ठीक है। कॉन्क्रेंट लाइन ये हो गए हमारे, लिख दो यहां लाइन। अब कॉन्क्रेंट लाइंस क्या है ये हम पढ़ेंगे। अब देखो यहां लाइन ए बी सी पी क्यू, ये सब देखो एक दूसरे से क्या है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट को ही हमें बताना है कि वो सारे लाइंस क्या है, कॉन्क्रेट, एक दूसरे से कट रहे हैं, कट कहे कॉन्क्रेट, कट मतलब एक दूसरे को कट, वही चीज है हमारे। चलो यहां लिख देते हैं लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी, लाइन सी, फिर आगे और देखो, और भी एक चीज है लाइन ए एंड सी। अब देखो इधर ए और सी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट आ गए लाइन ऐसे। और आगे है आपके, फिर दिया है और भी है पी क्यू एन ए डी, वो सब भी लिख सकते हो, जरूरी है चलो लिख दो लाइन पी लाइन क्यू और लाइन डी और पी क्यू, ऐसे भी लिख सकते हो लाइन पी क्यू, क्योंकि एक दूसरे को दो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया हमारे कॉन्कुरेंट। और पॉइंट्स ऑफ कॉन्कुरेंस, कॉन्कुरेंस और कॉन्करेंट्स, ये दोनों में डिफरेंस है। चलो कॉन्कुरेंट हमने पढ़ लिया, आप कॉन्कुरेंस करते हैं। पॉइंट्स ऑफ कॉन्कुरेंस, ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसमें कॉन्कुरेंट और कॉन्कुरेंस में ध्यान बहुत देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज को पॉइंट ध्यान देना, और आपके एग्जाम में ज्यादातर ये चीज पूछा जाता है। तो चलो हम पढ़ते हैं पॉइंट ए, ए और हमारा पॉइंट डी। अब ये सारे जो हैं, देखो ये सारे जो हैं अब एक दूसरे से कट हुए, इंटरसेक्ट हुए, पैरेलल हुए, सारे चीज हुए, मगर किस पे हुए, मेन देखो ध्यान से देखो अपने टेक्स्ट बुक या फिर यहां हमारे डायग्राम पे, मेन कैपिटल ए पे कट हुए, जो यहां पर एक लाइन ड्रॉ हुई थी उसमें सब क्या हुए, एक दूसरे से इंटरसेक्ट हुए, मगर किस लाइन पे हुए, कैपिटल ए, ये जो हमारा इंटरसेक्ट लाइन है उसका नाम दिया है ए, और यहां पर इंटरसेक्ट जो एक दूसरे से हुए वो लाइन है डी। तो लिख दो पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। कॉन्क्रीट में क्या होता है, एक दूसरे से जो इंटरसेक्ट होते हैं, जो जो लाइंस होते हैं वो लाइंस को हम लिखते हैं, लाइंस क्या थी ए बी सी ए सी और पी एन क्यू, मगर कॉन्क्रेंस में क्या होता है, कॉन्क्रेंस में क्या होता है, जिस लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहा है, जिस पॉइंट के ऊपर से इंटरसेक्ट हो रहा है उसी का नाम देते हैं कॉन्क्रेंस। समझ में आया होगा आपको, ये हमारा कॉन्क्रेंस का ए है और ये कॉन्क्रेंस का डी है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी बहुत पसंद आई हो, हमने आज हमारा मैथ्स का सिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी से कंटिन्यू करते रहेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और अपने स्टूडेंट में फैला दो, तबाही मचा दो, समझे, धन्यवाद।